नमस्ते, एसके सिमी स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में इस रेसिपी से कुर्ती की कटिंग आसान तरीके से कैसे करना है वो देखेंगे। उसके ही साथ अस्तर की कटिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से हाफ फोल्ड में रखना है और ये डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा है। पूरा मेजरमेंट हमारा कटिंग का बैठेगा उतना हमें फैब्रिक फोल्ड करके लेना है और जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के साइड एक सीधी लाइन खींच के लेना है क्योंकि कपड़ा कम ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए एक सीधी लाइन खींच के लेना है। अभी जहाँ से हमने सीधी लाइन खींची है वहाँ से हमें कुर्ती की टोटल लंबाई लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती की टोटल लंबाई ली है 36.5 इंच। जितने आपको कुर्ती की लंबाई रखनी है उसमें आपको 1.5 इंच मिला के लेना है। आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे बॉटम में फोल्डिंग के लिए जाएगा। आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड रख के ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं तो इसलिए फैब्रिक को डबल फोल्ड रख के ही कटिंग करना है। और जहाँ पे जॉइंट टेवा से शोल्डर का नाप लेना है और हमने जहाँ पे लाइन खींची वहाँ पे टेप को इस तरह से रख के आर्मोर का नाप लेना है। तो यहाँ पे आर्मोर लिया है 7 इंच और वहीं से हमें सीधा टेप को रख के कमर का नाप लेना है। तो कमर लिया है 14 इंच। हाइट के अनुसार हमें कमर का नाप लेना है, तो मीडियम हाइट है इसलिए मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। और जहाँ पे हमें कुर्ती का जो कट रखना है वो मैंने 21 इंच पे रखा है। तो इस तरह से सीधा टेप रख के 21 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच के लेना है तीनों निशान के ऊपर। जहाँ पे हमने आर्मोर का नाप लिया है वहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींच के लेना है। कमर का नाप लिया है वहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है और जहाँ तक हमें कट की लंबाई रखनी है वहाँ तक सीधी लाइन खींच के लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर का नाप लेना है, जितना शोल्डर रहेगा उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 12 इंच, उसका आधा लिया है 6 इंच और आर्मोर रखा है 7 इंच। अभी जितना शोल्डर लिया था उतना ही हमें आर्मोर के लाइन पे निशान लगाना है और जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ पे आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। अभी जो आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाया है और शोल्डर का निशान, इन दोनों निशान को मिला के एक तिरछी लाइन देनी है। तो इस तरह से हमें आर्मोर के लिए लाइन खींच के देना है। अभी यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है, जितना चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लिया है 38 इंच, उसका चौथा भाग आएगा 9.5 इंच। यहाँ पर भी कमर का चौथा भाग लेना है, तो कमर थी 36 इंच, उसका चौथा भाग लिया 9 इंच। अभी यहाँ पे हमें हिप का नाप लेना है, तो जितना हिप रहेगा उसका चौथा भाग लेना है और 1.25 इंच लूजिंग के लिए बड़ा के लेना है। तो यहाँ पे हिप था 45 इंच, उसका चौथा भाग लिया 11.25 और उसमें 1.25 इंच मिलाया तो टोटल आया 12 इंच। अभी यहाँ पे हमें सब मेजरमेंट चेक करके लेना है एक बार, सब बराबर आया है क्या नहीं। तो इस तरह से हमने हिप लिया है 12 इंच, कमर लिया है 9 इंच और चेस्ट लिया है 9.5 इंच। अभी जितना हिप लिया था उतना ही हमें बॉटम रखना है। तो हिप था 12 इंच, तो उतना ही बॉटम रखा है 12 इंच। अभी ये जो निशान है इन सब निशान को हमें इस तरह से लाइन खींच के मिलाना है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से स्केल लिया है और जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमें इस तरह से लाइन खींच के लेना है। अभी यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन के लिए 2-2 इंच बढ़ाना है। तो चेस्ट से हमें 2 इंच बढ़ाना है, कमर से भी हमें 2 इंच बढ़ाना है और हिप से हमें खाली 1 इंच ही बढ़ाना है और जो बॉटम है वहाँ पे भी 1 इंच ही बढ़ाना है। अभी ये सब निशानों को हमें लाइन खींच के इस तरह से मिला के लेना है।
तो आप वीडियो में देख सकते हो इस तरह से हमें लाइन खींच के निशानों को मिलाना है। अभी हमें बॉटम की तरफ यहाँ पे आधा इंच के ऊपर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई में शेप देना है। अगर इस तरह से गोलाई में शेप देंगे तो जो हम चौक बनाते हैं, जो हमारा कट रहता है, वहाँ पे नोक नहीं निकलते हैं। अभी यहाँ पे हमारा आर्मोर का शेप रह गया था, तो यहाँ पे हमें इस तरह से आर्मोर का शेप देना है। अभी हमने ये जो आर्मोर का शेप दिया है वो चेक करना है। तो जो अंदर का शेप है वो 1 इंच होना चाहिए और जो बाहर का शेप है वो 1.5 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा शेप बराबर है। अभी हमें आर्मोर का नाप चेक करना है। तो जितना आर्मोर का राउंड रहेगा उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मेरा पूरा आर्मोर का राउंड था 18 इंच और उसका आधा आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो 9 इंच बराबर आया है। अगर कम ज़्यादा रहेगा तो हमने जो आर्मोर के लिए जो लाइन खींची थी 7 इंच, वो हमें कम या ज़्यादा करके लेना है। अगर ज़्यादा ना पाएगा तो हमें कम करके लेना है, अगर कम रहेगा तो हमें यह आर्मोर की लाइन बढ़ा के लेना है। अभी इसकी हमें कटिंग करना है। तो कटिंग हमें इस तरह से करनी है, जो बाहर की लाइन हमने खींची हुई है वहाँ से करनी है, अंदर की लाइन पे हमें कटिंग नहीं करना है। तो इस तरह से हमें आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही नए वीडियो आप तक पहुँचने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगी। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी हम आगे के पार्ट का फैब्रिक लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लेस है, तो लेस का जो सेंटर है वहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके लेना है। अगर आपके ड्रेस मटेरियल पे इस तरह से लेस नहीं होगी तो आपको इस तरह से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी कटिंग करने के लिए जो बैक पार्ट की कटिंग किया था उसको रखना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नीचे की तरफ इस तरह से फैब्रिक को रखा था, तो हमारा जो गले का जो डिजाइन लेस बनी हुई वो कम पड़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बॉटम पे लेस लगाई हुई उसको निकाल के लेना है। तो इस तरह से मैंने लेस को निकाल के लिया है। अभी हमारा जो बैक पार्ट का कटिंग है उसको हमें इस तरह से रखना है और जितना हमें नेक के ऊपर लेस है कितनी रखनी है वो देखना है। तो यहाँ पे मुझे 7.5 इंच रखनी है, तो मैंने लेस पे इस तरह से नीचे की तरफ से 7 इंच पे निशान लगाया है और फैब्रिक को इस तरह से रखा है। अभी मैंने जो नेक की लंबाई है वो 7 इंच है, तो मैंने इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाया है और जो लेस के ऊपर निशान लगाया है उन दोनों निशानों को बराबर रखा है और इस तरह से बैक पार्ट को आगे के पार्ट के फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से सेम कटिंग करके लेना है। तो यहाँ पे हमारी आगे के पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमें आर्मोर के लिए अंदर की तरफ सेम देना है, या आगे का पार्ट है तो इसलिए आगे का आर्मोर हमारा छोटा रहता है। तो यहाँ पे मैंने आर्मोर पे सेम दे के इस तरह से कटिंग करके लिया है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो अस्तर की कटिंग के लिए हमें अस्तर को इस तरह से 4 फोड़ में रखना है। तो अस्तर हमारा 4 फोड़ में रहेगा और ये अस्तर हमारा पूरा 2 मीटर है। तो इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है, लेकिन मुझे अस्तर की जो लंबाई है वो मेन फैब्रिक से 1.5 इंच कम रखनी है। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच नीचे की तरफ मेन कटिंग को रखा है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के अस्तर की कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को रख के अस्तर की कटिंग करके लिया है। अभी मैं अस्तर के ऊपर ही नेक डिजाइन बनाने वाली हूँ, तो इसलिए जो शोल्डर है वहाँ से मैंने सीधी कटिंग करके लिया है।
आधा इंच बढ़ा के नहीं रखना है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने इस तरह से चार फोल्ड में फैब्रिक रखा है। अभी फैब्रिक को हमें इस तरह से घुमा के रखना है। जो बंद बाजू है वो हमारी तरफ रखनी है और खुली बाजू इस तरफ से रहेगी। अभी यहाँ पे कपड़ा कम ज़्यादा है तो इसके लिए एक सीधी लाइन खींच के कटिंग करके लेंगे तो ये एक जैसा लेवल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो जितनी लंबाई रहेगी उसमें डेढ़ इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल लंबाई ली है स्लीव्स की 6.5 इंच और इस तरह से एक लाइन खींच के लेना। अभी जहाँ से हमने लाइन खींची है वहीं से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और वापस से इस तरह से एक लाइन खींच के लेना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, जहाँ से हमने लाइन खींची थी 3 इंच उतना ही यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगाना है। सेम उसी तरह उतना ही नाप लेना है यहाँ पे भी। अभी इस कोने से हमारा जो आर्मोर का राउंड था तो हमारा आर्मोर का राउंड था 9 इंच, तो इस कोने से यहाँ तक हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। जितना आपका आर्मोर का राउंड रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। और इस निशान से इस निशान को इस तरह से तीसरी लाइन देके मिलाना है और इस तरह से स्लीव्स का सेम देना है। अभी हमें मोरी का नाप लेना है। तो हमारी जो स्लीव्स की चौड़ाई है उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की चौड़ाई ली है 7 इंच और इस तरह से लाइन खींच के लेना है। अभी हमें स्लीव्स की लिए सिलाई मार्जिन लेनी है 2 इंच। जितने हमने कुर्ती के लिए सिलाई मार्जिन रखी थी 2 इंच उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है सेम। इस तरह से एक लाइन खींच के लेना है। अभी अंदर की तरफ भी हमें स्लीव का सेम देना है और उसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो अंदर का शेप है उसकी भी कटिंग करनी है और जो सेंटर रहता है उस पर कट करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से ये मेन फैब्रिक की कटिंग है और ये अस्तर की कटिंग है और ये स्लीव्स की कटिंग है। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।